देश के कुछ इलाकों में आई बाढ़ बारिश की भी तस्वीरें अब आपको हम दिखाते हैं। देश के कई हिस्से बादलों की मनमानी वहां पर देखने को मिल रही है। कहीं नदियां उफान पर हैं तो कहीं बादलों से बरसा पानी लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। गुजरात में भी सैलाब मुसीबत का सबब बनकर आया है। इस बीच गुजरात के नवसारी और डांग जिले में भारी बारिश की चेतावनी के बीच डांग जिले की अंबिका नदी का वाटरफॉल का वीडियो सामने आया। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच गिरा वाटरफॉल का अद्भुत नजारा देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ लग जाती है। वाटरफॉल के इस दिलकश वीडियो को नवसारी के एक पर्यटक ने अपने ड्रोन कैमरे से कैद किया है। गुजरात के कई शहरों में बाढ़ बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। गुजरात में बाढ़ के क्या है ताजा हालात बता रहे हैं हमारी सहयोगी गोपी घांगर। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाई में बने डीप डिप्रेशन और अरब सागर में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते गुजरात के कई शहरों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है, जिसमें अगले 24 घंटे के लिए पाटन, बनासकांठा, मेहसाणा और कच्छ को अलर्ट रखा गया है। प्रशासन ने यहां पे एनडीआरएफ की टीम को पहले ही डिप्लॉय कर दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि जैसे ही बारिश होती है तो महज 3 से 4 घंटों में कम से कम 10 से ज्यादा इंच बारिश हो जाती है। वैसे में कहीं कोई फंस न जाए, कहीं दिक्कत ना हो जाए, जिसके चलते पहले ही एनडीआरएफ को डिप्लॉय कर दिया गया। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद।